बार की बात है, एक बार क्या हुआ, एक शेरनी का बच्चा को जन्म दिया, यानी एक शेर का बच्चा को जन्म दिया और उस शेरनी का डेथ हो गया। तो फिर उसी टाइम क्या हुआ, जो भेड़ों का झुंड होता, लोग इधर उधर घूम रहे थे अपने भोजन के लिए, तो देखा कि एक बच्चा वहाँ पर है, उसका जो माँ है उसका डेथ हो गया, वो तो मर गई, अब इसको तो हम लोग को पालना पड़ेगा। फिर वो लोगों ने अपने साथ उसे लेके गया। अब जो शेरनी का बच्चा था वो उन्हीं लोगों के बीच, यानी उन्हीं में से, यानी भेड़ों के झुंड में बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद वो ऐसे ही जीने लगा जैसे एक भेड़ जीता है। अब क्या हुआ, एक बार शेर आया शिकार करने के लिए, तो जैसे ही शिकार करने के लिए आया तो देखा, अरे शेर जो भेड़ों के झुंड में, शेर कहाँ से आया, अरे ये तो शेर, अब शेर का बच्चा जो था वो भी, जो शेरनी का बच्चा था वो भी बहुत भाग रहा था, पूरा भाग रहा था। तो उसको रियलाइज़ करे, तुम एक शेर हो, तुम भाग रहे हो, देखो ना मेरे जैसा ही दिखने में, तो बोले चलो मेरे साथ। अब उस शेर ने क्या किया, उस बच्चा को ले करके नदी के पास चला गया, बोला देखो तुम भी देखने में मेरे जैसा, तुम एक शेर हो। और उसने उसे दहाड़ना सिखाया, जैसे दहाड़ा तो पता चल गया कि मैं तो सच में शेर हूँ। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से कमाल का मैसेज मिलता है कि हम लोग सब शेर हैं, हम लोग जो सब शेर हैं, एक्चुअली हम लोग कैसे माहौल में रहते हैं। अगर हम लोग भेड़ों के बीच रहेंगे या बेवकूफ लोगों के बीच रहेंगे तो हम लोग भी बेवकूफ बन जाएंगे, जबकि हम लोग शेर हैं। तो दोस्तों, मैं इस कहानी से यही मैसेज देना चाहता था, अगर वो शेर नहीं बताता कि तुम एक शेर हो, तो जो शेर का बच्चा था वो जो है भेड़ों के साथ, यानी भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों के जैसा ही जिंदगी जी करके मर जाता। तो दोस्तों, आप भी अपना पोटेंशियल को पहचानिए, क्योंकि हमारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, यही मैं इस कहानी के जरिए बताना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द हैव फन इन योर लाइफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।